हे गाइस, वेलकम बैक टू फोर्थ एपिसोड ऑफ मेगा लाइट प्लेटिनम। आज बहुत सी चीज़ हम सबको बतानी है कि इस गेम में मेगा इवॉल्व भी हो सकते हैं, और मैंने अपनी टीम में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैंने मिल्टैंक को टीम से बाहर निकाल दिया है, और मैंने कानवा को अपनी टीम में ले लिया है, जो कि मुझे लगातार लेवल 27 का मिला, और मेरे को मैजिक कार भी मिला था लेकिन वो पीछे पड़ा हुआ है अभी। तो मैं कानवा के साथ कभी खेला नहीं है गेम, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पकड़ लिया जाए। और क्रोकोनाव को अब इस टीम में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है मेरे को, और आगे चलकर मुझे पता लगा है कि इस कोई गुफा मिलेगी, हमें वहाँ पे गिबल मिलेगा। तो जब हम गिबल को पकड़ लेंगे तो हम उसको क्रोकोनाव से चेंज कर लेंगे। तो आज के इस गेम को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो स्लो लैग्स हो रहे हैं। ओके, ये क्या बोल दिया? हे वुड, हे यू, वॉच आउट फॉर दी स्नो लैग्स, दे सीम टू हैव been asleep for a long time. They will only wake up to the smell of food, and this Pokemon favorite food is the honey sold in her city. In the owner of the shop that sells honey in the city, come back with me to buy some of that. You can awaken these slumbers in Snorlax. Okay, तो हमें जाना है in her city वापस। तो आज मैं fast forward नहीं खेलूँगा, आज मैं भक्तों खेलूँगा। मेरे पास running shoes आ गए हैं। तुम बताना, तो फास्ट फॉरवर्ड गेम चाहिए या फिर रनिंग शूज़ के साथ मतलब भगते हुए गेम चाहिए? और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों को ये गेम पसंद आ रहा है, तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते ही रहना, क्योंकि अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी गेम को और खेलने की, और मैं ट्राई करूँगा कि और अच्छे से गेम खेल पाऊँ मैं। और फाइट के टाइम मैं ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, ताकि तुम्हें भी बैटल देखने में मज़ा आए। और ये हम आ गए हैं इनहोर सिटी में हनी लेने के लिए। के एक ही मिलेगा क्या? और लेके देखें हम लोग। ओके, हम ऐसा करता हूँ, 5 काफ़ी रहेंगे, आगे चल के काम में आ सकते हैं हनी। ओके, तो हनी हमने ले लिया है और वापस भागते हैं। तो यहाँ पे मिलते हैं हमको होइन स्टार्टर पोकेमॉन। वैसे मेरे को पहले से ही पता था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने लेना चाहता था। लेने को मैं अपने जिम लीडर वाले एपिसोड में ले सकता था, लेकिन फिर एपिसोड मज़ा नहीं आता वो वाला। ओके, जस्ट बाय लुकिंग एट यू आई कैन सी दैट यू हैव ग्रेट पोटेंशियल एज अ पोकेमॉन ट्रेनर। आई एम गोइंग टू लेट यू चूज वन ऑफ दीज 3 रेयर पोकेमॉन टू हेल्प यू ऑन योर क्वेस्ट। ओके, तो देखो, फायर टाइप पोकेमॉन ऑलरेडी मेरे पास है चार्मेलियन, वाटर टाइप पोकेमॉन ऑलरेडी है कार्नवा एंड टोटोडाइल जो कि इवॉल्व हो चुका है। अब मेरे को चाहिए एक अच्छा सा ग्रास टाइप पोकेमॉन, ट्रिको से अच्छा ग्रास टाइप पोकेमॉन मेरे को कोई मिल नहीं सकता, इसलिए मैं ट्रिको को ही चूज़ करने वाला हूँ, और हमें ट्रिको मिल गया है। तो ट्रिको इज़ अ पोकेमॉन दैट इज़ रेयर एंड डिफिकल्ट टू एनकाउंटर, ओनली अ फ्यू पीपल इवन गेट वन। तो हमें ट्रिको मिल गया है, अब जरा एक काम करते हैं। मेरे पास EXP शेयर्स पड़े हुए थे क्या है अभी भी? तो वो मैं देना चाहता हूँ अपने ट्रिको को, क्योंकि उसे लेवल अप करना है। तो EXP शेयर मेरी काफ़ी मदद कर देगा उसको लेवल अप करने के लिए, और जब वो एक सफिशेंट लेवल पर इवॉल्व कह रहा मैं लेवल अप हो जाएगा, तो हम उससे EXP शेयर्स वापस ले लेंगे। तो गाइस, मैं मिलता हूँ सीधा तुमसे स्नोलैक्स के पास, और ये मैं आ गया हूँ स्नोलैक्स के पास। तो चलिए इनको जगाने का काम करते हैं। यस, हनी यूज़ करूँगा मैं। ओके, तो स्नोलैक्स एनकाउंटर हो रहा है, तो देखें कितने लेवल का है ये। ओके, लेवल 18 का है। इसे पकड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं ज़्यादा, छोड़ो मैं नहीं पकड़ा इसे, ठंडापन से काम बन जाना चाहिए। और फाइट, आई थिंक ठंडा पंच यूज़ करना चाहिए वो लगातार, इससे काम बन जाएगा मेरा आराम से। और ये हमने स्नोलैक्स को बहुत ही ज़्यादा आसानी से डिफीट कर दिया, और ट्रिको क्विक अटैक सीख गया है, चलो सही है। ओके, यहाँ कुछ मिलता है हमें? ओके, एक पॉकेबॉल है यहाँ पे, चलो इसको स्किप करूँ मैं। ओके, TM43 मिला है, लेट्स चेक इट गाइस कि TM43 है क्या। ओके, सीक्रेट पावर, सही है। और ये पोकेमॉन स्किप करो। ओके, इस बंदे से बात करते हैं। द
The Snorlax were blocking the way across Nyan Bridge. I was worried because they seemed too strong to be defeated. भाई मैंने उसे पहले ही हरा दिया. ओके तो पहला बंदा आ गया है फाइट करने के लिए. तो ठंडापन से काम बन जाएगा. बन गया. ओके अब ये भेज रहा है किसको? मेटापॉड को. तो मेरी ख्याल से स्टारिया को चूज़ करना चाहिए हमें. ओके स्टारिया का विंग अटैक आराम से उसने उसको हरा दिया. कॉम्बी के लिए भी मैं इसको ही चूज़ करूँगा स्टारिया को. और पिडो नहीं पाइनो को है ये. तो विंग अटैक ओह प्रोटेक्ट कर लिया उसने बच गया वो. और लेकिन अब नहीं बच पाया वो. कितना भी प्रोटेक्ट कर ले बेटा तू मेरे अटैक से बच ही नहीं सकता. ओके तो एक और पॉकेबॉल. ये अच्छा है क्या पॉकेबॉल बहुत सारे मिल जाते हैं. अब इस बंदे से फाइट करनी है हमें. ओके तो अब मैं फाइट को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा क्योंकि कुछ लोगों को पसंद है कुछ लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है. तो इन्जॉय करो फाइट को बिना फास्ट फॉरवर्ड. ओके निकाडा को ऐसा नहीं होगा ठंडा पंच का. तो हमें क्विक अटैक यूज़ करना चाहिए. और क्विक अटैक ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो नहीं इसे क्योंकि हार्डन यूज़ कर रहा है ये. ओके लेट्स चेंज पोकेमॉन. और मैं चूज़ करूँगा कानवा को. तो ये इसकी फर्स्ट बैटल है जैसे तुम देख रहे हो. एक फ़ायदा ये होगा कि इसकी रफ स्किन से निकाडा को ही नुकसान होगा. और देखो मैंने कहा था ना होगा. तो पहले से टॉक्सिक करते हैं तो हमसे एनर्जी ड्रेन करेगा ना तो वापस एनर्जी जाएगी भी समझा. कोई नहीं बेटा कोई नहीं तो कर ले कितना भी करना है. ओके अब लेट्स स्ट्राइक क्रंच. और गया एक ही बार में. तो अब ये यूज़ कर रहा है निकाडा गेन. तो हम दोबारा से एक पोकेमॉन को चेंज करेंगे और स्टार एवे यूज़ करेंगे. विंग अटैक ट्राई करूँ एक बार. और विंग अटैक में एक ही बार में गया. निंजास्क निंजास्क निंजास्क. ओके क्रोकोनाओ को यूज़ करते हैं. अब आज के एपिसोड में तो यूज़ किया ही नहीं इसको. ओके तो लेट्स ट्राई हेड बट. ओके अब वाटर गन कैप कट. और ये गया आराम से. और बताओ गाइस इसकी तुम्हारा संडे कैसा गया? अच्छा गया नहीं गया? अगर किसी को भी गेम सर्च करना है ना कि कौन सा गेम खेलूँ मैं अगला तो वो मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है या फिर तुम लोग मेरे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे को नेक्स्ट गेम कौन सा ट्राई करना चाहिए. और अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा गेम है तो तुम मेरे को सीधा लिंक दे सकते हो उस गेम का मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे. कि मेरे गैराडॉस आ गया. वाटर वर्सेस वाटर फाइट हो रही है. तो बाइट यूज़ करें एक बार. नहीं ऐसा करते हैं कि हमें लगता है एलेकेट को यूज़ करना पड़ेगा. यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया इसने हमें. कोई नहीं मैं ठंडापन संभाल लेगा इसे. ओ भाई साहब एक ही शॉट में गया मेरा गैराडॉस. भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम खेलने में सही बता रहा मैं. परस्यूट लर्न करना चाहता है ये तो मैं लीर को हटाऊंगा. ओके ओ भाई साहब पहले ही एपिसोड में देखो भाई ट्रिको इवॉल्व. ऐसा हमेशा लगातार तीसरी बार हुआ है चौथी बार हुआ है. हाँ चौथी बार हुआ है मेरे ख्याल से. आई डोंट नो मुझे याद नहीं. पहले एपिसोड में हमारा चार्मेलियन चार्मंडे इवॉल्व हुआ था. दूसरा एपिसोड में टोटोडाइल. हाँ चौथा एपिसोड है ये. चौथा एपिसोड ऑफ फ्यूरी कटर. फ्यूरी कटर परशूट डार्क टाइप घास टाइप मूव चाहिए मेरे को एक. आई थिंक मेरे को इसको हटा देना चाहिए. ओके तो हो गया है सब काम. अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं. एक पोकेमॉन ईवी.
ईवी ईवी मेरे पास थंडरस्टोन है, फायरस्टोन भी है, मेरे ख्याल से मुझे इसे पकड़ लेना चाहिए। ओके तो पहले से कुछ हम झटके देंगे और इसे बाद में, ये मेरे बाद में काम आ सकता है अगर कोई अच्छा स्टोन मिलता है ना, आइस स्टोन, तो मैं इसको इवॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन ईवी आइस स्टोन से इवॉल्व नहीं होता, मैं कैसे भूल गया। ओके मेरी पॉकेबॉल्स ये रही, करते हैं, आई होप सो कि ये पकड़ ले, इसे पकड़ ले प्लीज़ 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 प्लीज़। फाइनली गाइस पकड़ लिया हमने, पकड़ ही लिया। ओके ईवी बन, पकड़ लिया हमने ईवी को, कोई निकनेम नहीं देना, और वो चला गया है पीसी में। ओके तो इस बंदे से बात करें एक बार। फिशिंग इज़ एन आर्ट दैट शुड ऑलवेज बी टेकन वेरी सीरियसली। ओके ले ले सीरियसली, मुझे कुछ इनर फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई फाइट करेगा हमसे, तो क्यों ना एक बार पॉके बॉल, मैं बोला था ना देखो, हेलो चिराग, आई वॉज वेटिंग फॉर यू सो दैट वी कुड हैव अवर फर्स्ट बैटल, गेट रेडी फॉर द फेस माई फाइट बुनेरी। भाई ये कौन से खेत की मूली आ गई अब, जिसे देखो मेरे से बैटल करनी है। ओके तो ग्रास टाइप है, चार मिलियन का यूज़ होना चाहिए यहाँ पे। और एक बताना भूले कि मैंने चार मिलियन को फ्लेम थ्रोअर सिखा दिया है, तो टोटोइक अब तो फ्लेम थ्रोअर के जलवे देख। ओके तो नेडोरिनो, यस तो मेरे को चूज़ करना चाहिए क्रोकोनाको। ओके तो इसका हेडबट काम कर जाएगा आराम से, कर गया। अरे यार पॉइजन हो गया मैं, क्या बुनेरी सेंड कर रहा है ये, आई थिंक आई चूज स्टारिविया। इसका हरिकेन काम में आएगा मेरे, देखो मैंने बोला था ना एक ही शॉट में गया। हाँ ग्रोवाल इज ट्राइंग टू लर्न परस्यूट, नहीं सिखाना मेरे को। ओके तो इसका नाम है सोलाना, वेल यू श्योर नो हाउ टू फाइट विथ स्टाइल, आई लाइक दैट यू एंड होप यू मीट यू अगेन। यस श्योर हम ज़रूर मिलेंगे यहाँ पे। तो इससे पहले कोई और हमें फाइट करने के लिए मिले, हम सीधा चलते हैं पोकेमॉन सेंटर, अपने पोकेमॉन्स को हील करते हैं, एक बार इनसे बात करके देखते हैं। तो पोकेमॉन सेंटर रिस्टोर्स द एनर्जी ऑफ योर पोकेमॉन हील, ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ओके इससे भी कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इससे भी नहीं मिली, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो देखें यहाँ पर कोई जिम है या नहीं। ओके यहाँ फ़िलहाल कोई जिम तो मिल नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं घरों में चलते हैं और लोगों से गुफ्तगू करते हैं। ओके इससे बात करते हैं, दे आर रूमर्स दैट टीम इज़ आफ्टर लेजेंडरी पॉकीमॉन। ओके लेजेंडरी पॉकीमॉन, कोई सी भी टीम हो सब लेजेंडरी पॉकीमॉन्स की पड़ी होती हैं। बग कैचिंग बॉयल डाउन टू जस्ट हाउ स्किल्ड योर पॉकीमॉन इज़, इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके ऑलवेज लाइक पीपल हु ट्रीट दैम वेल, कॉजिंग दैम टू बी हैप्पी एंड टू बिल्ड अ ग्रेटर कनेक्शन विद द पॉकीमॉन ट्रेनर्स। ओह माय गॉड। ओके इस तरह बात हो गई थी हमारी, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है डोर में, चलो कोई बात नहीं। आई ऑलवेज लाइक इलेक्ट्रिक पॉकीमॉन बिकॉज दे कैन यूज फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर, यस इससे बात नहीं करी हमने। ओके इनसे बात करने कोई फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन बात करना मेरा फ़र्ज है क्योंकि कोई कुछ भी दे सकता है मेरे को यहाँ पे। ओके लेट्स होप कि कुछ दे दे हमें, नहीं कुछ नहीं दिया इसने, ये देखिए कुछ देती नहीं देती, देता छोड़ो इसने भी कुछ नहीं दिया। ओके तो आगे कंटिन्यू करते जर्नी को अपनी, अब जरा पोकेमॉन्स को स्विच कर लिया जाए। ओके तो ग्रोवाइल लेवल 17 का है फ़िलहाल, मेरे को लगता है कि मेरे को एलेकिट के साथ जाना चाहिए फ़िलहाल। ओके यहाँ पे पॉइजन आईवी हो सकती हैं, तो मेरे को पॉइजन आईवी संभल के रहना है। और ये का बंदी आ गई। ओके स्मृश, तो
ठंडापन से काम बनेगा? नहीं, ज़्यादा काम बना नहीं। इससे पहले कि वो पैरालाइज करे, मेरे को चार्मेलिन को चूज़ कर लेना चाहिए। और चार्मेलिन पैरालाइज हो गया मेरा। एम्बर स्क्रैच गया काम से, आराम से, बहुत ही आराम से। ओके, ग्लूम, ग्लूम है तो मेरे ख्याल से फ्लेम थ्रोअर यूज़ करना चाहिए ग्रास टाइप के ऊपर। बस काम कर जाए जल्दी से। हो गया हो गया हो गया। ओके, क्रोकंक एक पॉइजन पोकेमॉन, तो कानवा को यूज़ करूँगा मैं। फाइट क्रंच से काम बनेगा? बन गया काम, बन गया बन गया बन गया। ओके, तो हमने इसको बहुत आसानी से हरा दिया। अब चलते हैं आगे कि यहाँ पॉकी बॉल में क्या है। ओके, फाइनली एक अल्ट्रा बॉल मिल गई हमें। अब ये बंदा मिल गया यार। सबके पास मुरुश है यहाँ पे। स्टारे को चूज़ करूँगा इस बार मैं। मे बी इसका हरिकेन भाई। एक बार में गया ग्लूम नहीं, विंग अटैक करिएगा काम आराम से। ग्लाइड, ओके, ग्लाइड फ्लाइंग टाइप है, देखेंगे क्या है। एन एक्सट्रीमली स्पीडी एंड अन ओके, तो मैं इसको हटाऊंगा फिलहाल। क्रोगंग को यूज़ कर रही है वो, तो ग्लाइड को ट्राई करते हैं एक बार कि ग्लाइड कैसा मूव है। काफ़ी अच्छा मूव लगा मेरे को ग्लाइड, एक ही बार में गया। तो जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे पहले पोकेमॉन स्मरूश ही आ रहा है, तो उस हिसाब से मेरे को स्टारिया का नंबर वन स्पॉट पे रखना चाहिए। एलेकिट को मैं बाद में ट्रेन करूँगा आराम से। यहाँ से कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन हमें ईथर मिल गया है। ओके, तो अब यहाँ से रास्ता है कोई? यस, इनसे फाइट नहीं कर रहा। अरे ये कौन आ गया अब? डायमंड, इट्स बीन अ वाइल, आई वॉज लॉस्ट इन दिस स्वैम्प रनिंग अराउंड इन सर्कल एंड आई एंडेड अप हियर। देयर आर मैनी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थ्रू एंड आई ट्रेन अ लॉट, आई विल शो यू। हर कोई मुझसे फाइट करने क्यों आता है यार? मैंने सबका ठेका लेकर रखा है फाइट करने का। ओके, एक घोस टाइप पोकेमॉन, मेरे को पता नहीं कि इस पर अटैक काम करेंगे नहीं करेंगे। ओह, कर गए। ओके, एलेकिड, एलेकिड आई थिंक आई शुड चूज चार्मेलियन। ओके, फ्लेम थ्रोअर से काम बन जाना चाहिए। पैरालाइज कर दिया उसने मेरे को, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और लेवल 19 का हो गया हमारा ग्रोवाइल। ओके, ईवी है इसके पास। हाँ, ईवी है तो एलेकेट को चूज़ करूँगा मैं। मैं तुझे अपने एलेकेट की पावर दिखाऊँगा। तेरा एलेकेट तो कुछ भी नहीं था मेरे एलेकेट के सामने। तुम्हें ठंडा पंच चखब। आराम से जा रहे हैं पोकेमॉन, कोई दिक्कत तो आ नहीं रही मेरे को। ट्रैंक्विल एक फायर पोकेमॉन। ओके, चलो इस बार ग्रोवाइल को मौका देते हैं फाइट करने का, देखते हैं कि ग्रोवाइल कितना ताकतवर है। ओके, उसका 21 का है, हमारा 19। ओके, फ्यूरी कटर ट्राई करें एक बार। नहीं, ज़्यादा असर हुआ नहीं। लगता है कि ट्रिगो को एक्सचेंज करना पड़ेगा। ओके, फायर फ्लाइंग वर्सेस फ्लाइंग बैटल हो जाए। ओके, तो हम अपना लेटेस्ट मूव ग्लाइड यूज़ करेंगे। और ग्लाइड ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया और विंग अटैक ने एंड कर दिया। ओके, डायमंड वैल्यू सीम टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ बैचेस दैट आई डू, लेट्स गो टू द सेकेंड जिम सून। ओके, तो डायमंड भी सेकेंड जिम जा रहा है, उसके पास इसको भी प्लेन बैच मिल चुका है।
ओके, हमारे पॉकीमोन्स की हालत थोड़ी ख़राब है इस टाइम, तो इनको ज़रा रिस्टोर कर लिया जाए इससे पहले कि इनकी हालत और भी ख़राब हो जाए। तो पोशंस है हमारे पास 3, एक तो पहले करो स्टार ईवे को ठीक। ओके, अब ज़रा पैरालाइज हील यूज़ कर ले अपने 4 मिलियन पे, और एक पोशन ज़रा 4 मिलियन को भी दे देते हैं। ओके, सब कुछ सेट हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। यार क्यों मेरे से बैटल करते हैं तो तुम लोग हर टाइम? ओके, बल्यूम स्मृश का विकसित रूप। ओके, अगर इस पे स्मृश के ऊपर फ्लाइंग अटैक काम किए थे तो इस पे भी पक्का करेंगे। विंग अटैक ट्राई करें, ओह कर गया काम आराम से। और ग्रोवर लेवल 20 का हो चुका है हमारा। ओके, ग्लूम सैंड, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे विंग अटैक अगेन अगेन। रोजियाला एक ग्रास टाइप पॉकीमॉन, ग्रास टाइप के लिए 4 मिलियन ठीक रहेगा। ओके, एम्बर से काम बन जाएगा आराम से। फ्लेम थोर हम स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को डिफीट करने के लिए करेंगे, और गया आराम से। हाँ यहाँ पे कुछ है, ओके मैं घूम के जाता हूँ ताकि मेरे को और कोई बैटल करनी ना पड़े। तो गए ऐसा करता हूँ, मैं इस एरिया को पार करने के बाद सिर्फ मैं एंड में ही मिलता हूँ। मैंने उस एरिया को पार कर लिया है। ओके, यहाँ पे आग क्यों लगी हुई है? आग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? चलो ट्राई, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यार ये सिटी पे ये टीम के मेंबर्स हैं भाई, लोगों ने सिटी पे कब्जा कर लिया। टीम हैज डन अ ग्रेट जॉब टेकिंग कंट्रोल ऑन दिस ऑफ दिस सिटी। शैलिया, क्या शैलिया? जस्ट टोल्ड मी दैट शी फाउंड द ब्लू ऑर्ब एंड रेड ऑर्ब इन एमरलैंड पोर्ट एंड लेबोरेटरी। लेट्स गो देयर नाउ, वी कैन लीव दिस प्लेस टू बर्न। ग्रेट न्यूज, लेट्स गो नाउ, इट्स टाइम फॉर द रियल लीडर ऑफ टीम टू गेट दिस हैंड डर्टी। ओके, तो सीन ये है कि टीम ने अभी सिटी पर कब्जा कर लिया है अपना, और उनको रेड ऑर्ब ब्लू ऑर्ब मिल चुका है। तो देखते हैं कि हमारा मेन काम क्या है आज यहाँ पे। ओके, ये मेरे ख्याल से डायमंड और ऐश हैं। ऐश, हेलो चिराग, आई एम ग्लैड यू हियर। दिस सिटी इज बीइंग अटैक बाय टन ऑफ टीम मेंबर्स एंड देयर आर टू मैनी फॉर रेड एंड आई हैड टू हैंडल अलोन। वी कुड यूज योर हेल्प। द जिम लीडर एंड प्रोफेसर ऑफ दिस सिटी इज ट्रैप्ड इन द बॉटनिकल लैब रेड एंड आई विल टेक केयर ऑफ देम टीम मेंबर्स आउटसाइड इफ यू डील विद द वन इन द बॉटनिकल लैब। That's a good plan. Lots of team is out here, but I will tangle with them all. Ash, Chirag, the only people that can enter the botany lab are team personally. I will give you team uniform so that you can get in there without problem. Okay, मैं team की uniform मिल गई है। Okay, तो हमारा काम है botany lab में जाना और उनको बचाना। Okay, Gyarados निकाला राइड ने रेन डांस के, तो ये गैडोस की हेल्प से आग बुझा रहा है। तो गाइस आज के इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि तुम लोगों ने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस सिटी को सेव करेंगे टीम से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।